दोनों ही स्टॉक अपने बिल्कुल 52 वीक लो के पास अब ट्रेड करने लगे हैं। इनफैक्ट लक्ष्मी ने तो आज 52 वीक लो टच किया, और सुदर्शन भी 345 का 52 वीक लो, और अभी 380-385 ट्रेड हो रहे हैं। तो मेरी सलाह अभी इन स्टॉक को बेचने की नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे कि इन सारी कंपनीज ने अच्छे बड़े बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लिए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ है वो कंपनीज को मोस्टली डेट फ्री कंपनियां हो गई हैं केमिकल स्पेस में। ओनली जहाँ पे चैलेंजेस 2 तरह के आ रहे हैं, सबसे पहला तो ये कि जो उनके सेलिंग प्राइसेस हैं वो एक रैशनल हो गए या वो कम हो गए हैं, और दूसरी बात ये जो एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट US और यूरोप का था, वहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइसिंग प्रेशर है या डिमांड में कमी है, इसके कारण से थोड़े से इन प्रोडक्ट्स की ओवर कैपेसिटी हो गई है। फिर भी नेवरदलेस मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स में इतना लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं दोनों, और जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़े बीतेगा, खराब समय निकलेगा, आप देखेंगे कि जैसे फार्मा स्टॉक में हमने थोड़ा सा बाइंग आता देखा, ये केमिकल स्टॉक्स में भी आगे जाके आएगा। तो इनफैक्ट मेरी सलाह रहेगी कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक को 200 रुपये के आसपास आप एवरेज करें, और सुदर्शन केमिकल में भी 340 का लेवल पे वेट करें और वहाँ पे एवरेज करें। दोनों ही शेयरों में बने रहने की सलाह है। इनफैक्ट अगर थोड़े से नीचे आते हैं तो आपके लिए एवरेज करने का और अपने कॉस्ट को कम कर पाने का मौका ये दोनों शेयर देंगे होल्ड करने की सलाह है।